वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल द लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे आप सब। आई विल कम बैक विद न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 फॉर क्लास 10 NCERT, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं आप लोगों के सामने और आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत जल्दी 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 बहुत ज़्यादा जल्दी चैनल को सपोर्ट किया, लव दिया, और आप लोगों के दुआओं से हमारा चैनल जो है वो 1K सब्सक्राइबर प्लस हो गया है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। इसी तरह आप लोग अपना लव बनाए रहिए और इसी तरह सपोर्ट अपने करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि NCERT में चैप्टर 4 है ये, जो कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। दूसरी बात, इस द्विघात समीकरण अगर होगा तो कौन सी इक्वेशन को द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या इसके अलावा कोई इक्वेशन ऐसी आती है तो उसका नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ax2 + bx + c = 0, अगर x की पावर 2 आती है मैक्सिमम, जो भी वेरिएबल होगा अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, 2। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, क्लियर। जिसकी भी मैक्सिमम पावर होगी एक वेरिएबल की 2, वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, मान लिया ax + b = 0, अगर x की पावर 1 होगी तो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर इस तरह से हुई ax³ + bx² + cx + d = 0, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। अगर मैक्सिमम पावर 3 होगी तो इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, और अगर मैक्सिमम पावर 4 होती है x³ + bx³ + cx² + dx + e = 0, अगर 4 पावर होती है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सारी इक्वेशन में अगर 4 और 4 से ज्यादा होती है तो फिर उसको बोलते हैं पॉली इक्वेशन या फिर पॉलीनोमियल। जस्ट लाइक अगर इसी तरह के टर्म होंगे तो पहला अगर टर्म होगा तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, दूसरा दो टर्म की अगर इक्वेशन होगी तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म की अगर इक्वेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, और तीन और तीन से ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर 2 है, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन जो हमको पढ़ना है वो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और पूरी एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.1, इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4, 5 तक चलती है। हम लोग आज पढ़ेंगे 4.1 और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए 4.1 के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और आप लोग देखते रहिए, जो कि एनसीईआरटी का ही है, पेज नंबर 73 क्वेश्चंस कह रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द वेदर फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या ये जो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चंस में, क्या वो क्वाड्रेटिक होंगी कि नहीं होंगी, तो उसको किस चीज से रिलेट करेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0, अगर इस तरह से वो रिलेट कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर रिलेट नहीं कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए वेरिएबल की, 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा x + 1² = 2x - 3। इसको हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम पावर 2 आएगी या नहीं आएगी। देखिए, अच्छा एक चीज लिखा हुआ है a + b² फॉर्मूला क्या होता है, a² + 1² + 2 × x × 1 = इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 2x - 2, 3 = 6। x² का तो x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 = 1, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। 2x इधर क्या था, प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6 इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, = 0। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, x² 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7।
अगर रिलेट करें तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, टू। अगर इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की टू है तो यह ये इक्वेशन होगी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन टू, उसको भी चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। एक्सरसाइज 4.1 में दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो पार्ट आते हैं वो आते हैं 8 क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में आते हैं 3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के हम 4 पार्ट बताते हैं और दूसरे क्वेश्चन के कोई 2 पार्ट बताते हैं आप लोगों को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करते हैं इसका, 4.1 के पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि पेज नंबर चल रहा था पेज नंबर 73। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू x प्लस 1 है। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, इसको पहले हम लोग को सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस माइनस माइनस 2 1 2। चलिए आरएचएस में सॉल्व करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, x 1 क्या हो जाएगा x, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 3 लेकिन माइनस 3। सारी चीजों को इस साइड ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 3 भी माइनस में हो जाएगा, x माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और 3 प्लस में था माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 2x और 3x माइनस 5x हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x माइनस 5x, ये माइनस 2 और प्लस 3 कितना बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से इसको करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, माइनस 3x आ जाएगा बिकॉज 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 3 प्लस 1। क्या इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, x के वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है 1। जब वेरिएबल पावर 1 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, द हाईएस्ट पावर इज 1 देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो क्या एक्स के टर्म में आ रहा है, एक्स के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th पे। 5th क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट में कह रहा है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन मतलब बॉड मास के रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x की पावर 2, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3 हो जाएगा। सिमिलरली x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस 5। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को सारे चीजों को इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज ये प्लस में था तो इसका अपोजिट साइन क्या होता है माइनस, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस 5x और प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा x स्क्वायर, 6x माइनस 5x माइनस 11 हो गया और माइनस ये x से x कट जाएगा क्या बचेगा माइनस 11x, 3 और 5 क्या बचेगा 8 इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इट्स हाईएस्ट पावर इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू
ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बिकॉज फर्स्ट पार्ट के 8 क्वेश्चन है, हाफ हमने बता दिए, बाकी आप लगाइएगा। जो प्रॉब्लम आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करके उसमें ही दे देंगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बाकी आप लोग क्वेश्चन उतारते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 टूजा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सारी चीजों को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से 4x ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 7x, 4 में से बन जाएगा क्या बचेगा 3, आंसर हमारा क्या आ गया 7x माइनस 3, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, मतलब x की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। हम लोगों को कुछ कंडीशन सिचुएशन दी जाएंगी और उसको हम लोगों को कह रहा है कि आप रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बिकॉज हमको सॉल्व नहीं करना है, मींस एक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को क्या एक्सप्रेस कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको सिचुएशन दी जा रही है वो किसके फॉर्म में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी में लगा रहे हैं, बिकॉज अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बुक से या फिर नेट से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस में 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर फुल स्टॉप, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है इसकी वो 2 से ट्वाइस करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लेंथ आ जाएगा। कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पहले तो इक्वेशन बनानी है और उसके बाद में इक्वेशन को बताना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो ब्रेथ हो गई उसके ट्वाइस का मोर देन 1, लेंथ क्या हो जाएगी हमारा क्या है ब्रेथ एक्स, तो उसको ट्वाइस कर दिया और उसके साथ क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे रेक्टेंगुलर के एरिया का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा देंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब एल और ब्रेथ मतलब बी, इसको बोल दीजिएगा ये बी हो जाएगा और ये लेंथ है तो इसको बोल दीजिएगा ये एल हो जाएगा। एल की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1 और बी की जगह पे लिखेंगे x। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया कितना है 528, इसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 528, बिकॉज हमने नंबर को इस साइड कर दिया और वेरिएबल को इस साइड ले लिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या करेगा x
दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x2, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 528 इधर प्लस में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और हमें यही रिप्रेजेंट करना था। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी से एक ज्यादा है। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स है, जो लेंथ हो जाएगी वो दुगना करके एक ज्यादा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे 2x+1 और ब्रेथ की जगह पे क्या रखेंगे x रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू कितना आ जाएगा 528। सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। देखिए इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 4। हमको कितने बनाने हैं, एटलीस्ट 2 और 3 हम बता देंगे, बाकी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें बताएंगे, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 74 NCERT। Here the product of two consecutive positive integer is 306. What we need to find the integer? सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहले नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, x, और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, 1/1 मतलब कॉन्टिन्यूसली चले, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, कॉन्सिक्यूटिव आ जाता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव भी बोलते हैं या कॉन्सिक्यूटिव भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर नंबर हम लोग मान लेंगे, फर्स्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू x, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, अपने आप जो होगा वो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 306, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर कॉन्सिक्यूटिव क्या आ गया x प्लस 1, दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ रहा है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो x, 300 इक्वल टू क्या बचा 306, 306 प्लस में इक्वल टू क्या आएगा, इधर क्या हो जाएगा अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब -306 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, उतार लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड का थर्ड, सेकेंड के थर्ड में क्वेश्चन में कह रहा है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर, सारी चीजों को हम लोगों से फ्लेट किसे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2, अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है अपने बेटे से, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम विल बी 360। अगर 3 साल बाद की बात करें तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों की एज का मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 360। हमको रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब जो सिचुएशन दी हुई है उसको इस इक्वेशन के फॉर्म में पहले बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर, पहले हम लोग क्या मान लेंगे, रोहन की एज को मान लेंगे एक्स, उनकी मम्मी कितनी बड़ी है 26 ईयर, तो क्या हो जाएगी उनकी मदर की जो एज हो जाएगी वो x प्लस
26 हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर थ्री ईयर का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या ऐड कर देंगे, थ्री ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा 360। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू क्या ले लेंगे एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितने ईयर ओल्डर है 26, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगा इनका। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम थ्री आफ्टर थ्री ईयर मीन्स हम लोग क्या लेके जाएंगे 3 साल बाद लेके जाते हैं, तो क्या होता है फिर रोहन एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर एज क्या हो जाएगी, उनकी एज पहले से कितनी थी ऑलरेडी x प्लस 26 और उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे बिकॉज 3 साल बाद की बातें हो रही हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। अब ये दोनों की एज आ गई हमारे पास, इन दोनों की एज का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है क्वेश्चन में 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी एज का जो 3 साल बाद होगा और इनकी एज का जो 3 साल बाद होगा दोनों के एज का मल्टीप्लिकेशन 360 आ रहा है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको किस फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 कैरी 2 2 3 6 और 8 इक्वल टू 260। ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32x प्लस 87, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0, 36 को 87 से माइनस कर देते हैं जो भी हो जाएगा ये हो जाएगा 3। सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 360 माइनस 87 कितना आ रहा है 273, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, बिकॉज बड़ा साइन कौन बड़ा नंबर कौन सा है 360 और उसका साइन क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा माइनस 287 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमारी कितनी आ रही है, वो आ रही है 2, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी क्वाड्रेटिक, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मीन्स हम लोगों को क्या करना था, जो भी लैंग्वेज दी हुई थी जो भी सिचुएशन दी हुई थी उसको पहले हम लोग को सिचुएशन के फॉर्म में बॉडमास से सॉल्व करना था, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद हमको रिप्रेजेंट करना था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जो कि आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हमें करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है हम लोग जो कि 4.2 रहेगी, आज के लिए इतना ही, बिकॉज एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट में आ रहा है 4 पार्ट, पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं जो कि हमने 4 बता दिए, बाकी 4 आप लगाइए, जो प्रॉब्लम आ रही है आपको हमें बताइएगा, आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2, उसके अंदर क्वेश्चन है 4, पहला दूसरा तीसरा हमने बता दिया, क्वेश्चन 4 आप लगाइएगा, जो प्रॉब्लम आएगी आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 4.2, जो कि उसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, जिसकी जितनी पावर उसके उतने आंसर, और उसको बोलते हैं आंसर को जीरोज, मतलब इसके कितने जीरोज आएंगे 2, बिकॉज कितनी पावर मैक्सिमम हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, तो अगर एक्स की पावर 2 है तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर क्या आएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आंसर आएगा एक्स की 2 वैल्यूज, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.2 रहेगी, बाकी सॉल्व करते रहिए, जो प्रॉब्लम आएगी हमें बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।
स्पेशली स्पेशली थैंक फॉर यू बिकॉज यू सपोर्ट मी और इसी तरह सपोर्ट करते रहे, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द से जल्द हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, जल्द से जल्द इंटरमीडिएट की फिजिक्स सॉल्व करके आपके सामने होगी, हाई स्कूल के पूरा सिलेबस, साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, इंग्लिश, सारी चीज़ें आप लोग के सामने होंगी और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।